कुंभ राशि, जलेबी की तरह मीठा रहेगा आपके लिए एक दो दिन, एक के बाद एक शुभ समाचार मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। 25 और 26 अप्रैल का कुंभ राशि भविष्य आपके लिए कैसा रहेगा, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। दोस्तों, आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। किसी दूर स्थान पर रहने वाले अनुभवी और विज्ञान व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात हो सकती है। मित्रों और रिश्तेदारों की वजह से आपको उम्मीद की कोई नई किरण नजर आएगी। आप अपना खाली समय अपने मित्रों में बिता सकते हैं। कुछ नए लोगों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। आप कुछ अनजानी जगहों पर अनजाने लोगों से मिल सकते हैं। आपको कोई नया अनुभव हो सकता है। ऑफिस, कार्यक्षेत्र और समाज में कुछ लोग आपको किसी काम के लिए चुनौती दे सकते हैं। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। किसी भी प्रकार के टकराव वाली स्थिति से बचने का प्रयास करेगा। कामकाज में आपका मन लगेगा और आप में एक गंभीर व्यक्ति का उदय होगा। अपने किए गए कार्यों में आप कुछ नयापन लाने का प्रयास करेंगे तो इससे आपको फायदा होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कौन से बातों का ध्यान आपको रखना है उसके बारे में। आपको महसूस हो सकता है कि आपके दृष्टिकोण में लगातार परिवर्तन हो रहा है। धन हानि होने की भी लगातार योग बने हुए हैं। आपको अपने स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की स्थिति कुछ नरम हो सकती है। आपके प्रयास ही आपको कठिन से कठिन कामों में सफलता दिलाएंगे। ऑफिस और कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रभावित नजर आएंगे। वह किसी समस्या के बारे में आपके राय जान सकते हैं। सामान्य राशिफल की बात करें तो धन लाभ होने के पूरे संकेत मिल रहे हैं। ऑफिस और कार्यक्षेत्र में वेतन के वृद्धि में योग आपको नजर आ रहे हैं। अन्य किसी तरीके से भी धन लाभ हो सकता है। यदि पैसों से संबंधित कोई मदद की आप उम्मीद लगाए बैठे हैं तो वह आपको मिल सकती है। किसी ऐसे रिश्ते की शुरुआत हो सकती है जिससे आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव भी आ सकता है। यदि आप अपनी जीवन शैली में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए समय उत्तम रहेगा। आपके नज़दीकी संबंधों में भी सुधार होने की और गुंजाइश है। ऑफिस और कार्यक्षेत्र में कुछ अधिक काम होने के कारण कुछ जरूरी चीज़ों से आपका ध्यान हट सकता है। इससे आप में झुंझुनाहट की स्थिति भी पैदा हो सकती है या फिर आप किसी से बेवजह उलझ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जलेबी की तरह जो कि ये दो दिन आपके लिए मीठे रहेंगे, ऐसा हमने क्यों कहा, विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, 25 और 26 अप्रैल ये जो दो दिन है, ये दो दिन वाकई बहुत ही खास साबित होने वाले हैं। दोस्तों, ये दो दिन इस चीज़ की वजह से खास रहने वाले हैं क्योंकि इन दिनों में आपको अच्छे खासे अवसर देखने को मिल सकते हैं। जो लोग पढ़ाई लिखाई करके कुछ काम करते हैं, कुछ पैसा कमाते हैं, उन लोगों के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उनको अच्छा खासा धन लाभ बहुत ही कम समय में देखने को मिल सकता है। साथ ही जो लोग दिन भर भी काम करते हैं और रात को भी कहीं पर ड्यूटी पर जाते हैं, काम करते हैं, यानी कि दिन रात काम करते हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा जब भी समय मिले आराम करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी अच्छे खासे दिन साबित होने वाले हैं। अच्छा खासा धन लाभ इन दो दिनों में आपको भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं आपका धन राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह राशिफल के रिलेटेड वीडियोस आपको हर रोज देखने को मिलेगी, जिससे कि आप आने वाले दिनों के बारे में पहले से अनुमान लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर कोई परेशानी आपको बार बार सता रही है, क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग आपका काम ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आप डायरेक्टली हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर कॉल करें अथवा व्हाट्सअप मैसेज करें, हमारी तरफ से रिप्लाई झट से मिल जाएगा और आपके सभी प्रॉब्लम परेशानियों का समाधान भी किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं आपका धनराशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आपके लिए दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी है। अपने गुणों के कारण आप सबके आकर्षण का केंद्र बनेंगे। अचल संपत्ति, वाहन और धन अभी आपकी प्राथमिकता हो सकती है।
माँ या माँ की तरह की स्त्री को आपकी केयर या फिर देखभाल की जरूरत पड़ सकती है। जुए और सट्टेबाजी से दूर रहेगा। प्यार और स्नेह ऐसी चीजें हैं जिनसे आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। अपने प्रियजनों को यह बताना ना भूलें कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, लेकिन ध्यान रखें कि किसी को ठेस ना पहुंचे। यह समय परिवार को समर्पित है, न कि दोस्तों को, इसलिए इसका पूरा आनंद उठाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं आपका करियर राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। ऑफिस में आपको दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपके आसपास के लोग आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप इनसे दूर ही रहेगा। इससे आपका बॉस आपसे बहुत खुश होगा। दोस्तों, ये जो दिन है सट्टा उद्यम के लिए उपयुक्त है, पर बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय ना लीजिएगा। जो लोग सट्टा हर वक्त खेलते हैं उनके लिए अच्छा दिन साबित हो सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा सट्टा जो कि आपको बर्बाद कर सकता है। कभी कभार आपको पैसा कमा के दे सकता है, लेकिन आपका पैसा अंत में जाएगा ही जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप गणना करके जोखिम लेंगे तो लाभ में रहेंगे, परंतु याद रखिए अज्ञानता से लिया गया फैसला हर वक्त आपको नुकसान दिला सकता है। दोस्तों, बिना सोचे समझे सट्टा खेलना या फिर निवेश करना हानिकारक है, जिसमें भाग्य भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। दोस्तों, अब बात करते हैं आपका लव राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आपके रोमांस की शुरुआत है और अभी आपके मन में केवल एक ही नाम है और वो है अपने प्रियतम का। रिश्तों और निवास स्थान पर आप शांति महसूस कर सकते हैं। साथी के साथ वॉक, चैट, छोटी छोटी शरारतें या फिर चुलबुली बातों से जीवन में मिठास आएगी। दिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का है। अपने दिल के सबसे करीबी से अपने प्यार को जताना और उनके प्यार को महसूस करने के लिए दिन बहुत ही उपयुक्त है। उन्हें यह अवश्य बताएं कि आपके जीवन में उनका क्या महत्व है। अपने पार्टनर पर हमेशा विश्वास करें और उनका सामना करें। दोस्तों, सामान्य राशिफल की बात करें तो आप जागरूक के हिसाब से अपने स्वास्थ्य में एहतियात बरतेगा। आपको आपका स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ नजर आएगा, परंतु वह सब छोटी छोटी बीमारियों के एक साथ होने के कारण होगा। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप बाहर का ज़्यादा खाना ना खाएगा। जो पर रोड पर बने हुए होते हैं, तली भुली चीज़ें जो भी होती है, फैट्स जिसमें ज़्यादा रहता है, उस तरह की चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी मत करेगा। अपने दिमाग पर इनको हावी ना होने दे और सभी का उपचार एक बारे में ही करेगा। व्यायाम योगा करना बेहद ज़रूरी है, इनको भी ज़रूर अपने जीवन में लाएगा और हर रोज़ व्यायाम योगा करेगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आपका जो कि कुंभ राशिफल रहने वाला है। वीडियो में बताई गई जानकारी जो कि ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महत्व सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना हेतु लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं या इनका उपयोग भी करते हैं, तो इससे पहले अपने नज़दीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क करेगा। आप चाहे तो ट्रेनिंग राशिफल से भी संपर्क कर सकते हैं। कुंडली और इसमें मामूली सा बदलाव हो सकता है। इस चैनल पर इसी तरह राशिफल के रिलेटेड रोज देखने को मिलेगी, जिससे कि आप आने वाले दिनों के बारे में पहले से अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।